Hi guys, happy new year to you all and welcome back to my channel Pleasing Palette, क्योंकि स्वाद ज़रूरी है। तो आज साल का पहला दिन है और उसी के साथ लाई हूँ मैं आपके लिए एक नई सी रेसिपी। ये एक कोरियन रेसिपी है जिसे बनाया है हमने इंडियन ट्विस्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। अब ये रेसिपी एक झटपट से बनने वाली रेसिपी है जिसे आप एज एन एपेटाइज़र या फिर एज अ मेन कोर्स भी इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है, आप चाहें तो सेसमी ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाले हैं मैंने 5 to 6 क्लोव्स रफली चॉप्ड गार्लिक के। हमें गार्लिक को यहाँ पर हाई फ्लेम पर 1 to 2 मिनट्स के लिए अच्छे से स्टर करना है। अब यहाँ डाला है मैंने स्प्रिंग अनियन को भी हमें 1 to 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर ही स्टर करना है। और उसी के साथ डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर 4 ड्राई रेड चिली। अब रेड चिली को मैंने सीजर के हेल्प से काटा है, अब इसको भी हमें 1 to 2 मिनट्स के लिए चलाना है। अब यहाँ पर ली है मैंने 200 ग्राम्स ऑफ चाइनीज़ कैबेज। चाहे आप चाइनीज़ कैबेज लें या फिर नॉर्मल कैबेज, सबसे पहले आपको उसकी लीव्स को अच्छे से धोना है, जिसके लिए मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए हॉट सॉल्टी वाटर में डिप करके रखा और अराउंड 15 मिनट्स के लिए स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया ताकि वो सारा पानी उसका निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने कैबेज को रफली चॉप कर दिया था। अब डालेंगे हम यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। अब हम बनाएंगे एक सॉस जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल, और बाउल में डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस, 1 टीस्पून ऑफ विनेगर, 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर एंड 1 टीस्पून ऑफ वॉस्टरशियर सॉस। अगर आपके पास वॉस्टरशियर सॉस ना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं इस सॉस को। और अब हम अच्छा स्टर देंगे और डाल देंगे इस सॉस को पैन में। अब पैन में डालते ही हमें फ्लेम को करना है हाई और अच्छा स्टर देना है। यहाँ हम कैबेज को 3 to 4 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे क्रंची होने तक। अब डालेंगे स्प्रिंग अनियन लीव। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन ना हो तो आप नॉर्मल अनियन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस लीजिए, तैयार है हमारा कैबेज स्टर फ्राई और इन्जॉय कीजिए इसको एज एन एपेटाइज़र या फिर राइस के साथ। तो डू शेयर, डू कमेंट कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।